ही होंगे। तो गाइज आप पता है अभी मैं ऊपर से धूप लेके आई हूँ और धूप तो इतनी अच्छी वाली निकली है जैसे मई जून में निकलती है ना, ऐसी धूप निकली है। लेकिन हवा बहुत ज़्यादा है और आज मुझे बंदरों ने भी बहुत ही घुमाया है, मतलब पता नहीं किस जन्म का उन्होंने मेरे से बदला लिया। ऊपर नीचे आज मेरे पेट भी बहुत दर्द कर रहा है। और ऊपर से जब आते हो ना आप, तो आपको अंदर अंदर ना सौरव एकदम धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो मैंने इसलिए भी बीच में ना ब्लॉगिंग नहीं की थी, अभी थोड़ी देर बात कर रही हूँ, 1 घंटे मुझे हो गया ऊपर से आए। तो जब मुझे क्लियर से दिखने लगा है ना सब जगह, तब अभी देखिए लाइट भी सारे घर की ऑफ है जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, और उसके बाद भी देखिए कितना अच्छा लाइटिंग पड़ रही है, कितनी अच्छा लग, मतलब इतनी तेज़ धूप है ना। तो ये हमारा अनमोल है, और आज हमारे अनमोल के पापा भी हमें धोखा दे गए हैं। वो चले गए हैं, बोल के गए थे कि मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, लेकिन वो गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इतने सारे कपड़े हैं जो मुझे अभी प्रेस करनी है, तो मैं कभी ना प्रेस के लिए कपड़े बाहर नहीं देती हूँ, मैं हमेशा घर में ही करती हूँ। पर आज मुझे लग रहा है कि मेरी कमर टूटने वाली है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इतने सारे कपड़े मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। वैसे मैं इकट्ठे नहीं करती हूँ, तो इनको मैं प्रेस करना तो मुझे ही है, तो मैं कर देती हूँ प्रेस। क्या करें भैया, करना है, पर अपना काम ना स्वयं करना चाहिए। सही में गाइस मेरी प्रेस हो गई है, मतलब मेरी प्रेस नहीं, मैंने कपड़ों पर प्रेस कर दिया। तो देख लीजिए इतने सारे कपड़े थे, मतलब जब उनका ढेर था ना कितने सारे लग रहे थे। अब प्रेस करने के बाद यही होता है कि आप जब भी अपने अलमीरा में अपने कपड़े रखते हैं, तो प्लीज़ या तो अच्छी तरह से तय बना के रखिए, या अच्छी तरह से प्रेस करके रखिए ना, तो वो कम स्पेस लेता है जगह। और अगर आप कपड़े को इसी तरह उल्टा सीधा तय बनाकर अलमारी में रखेंगे या कहीं भी रखेंगे, तो वो जगह ज़्यादा लेंगे। तो मैं हमेशा ना हर कपड़े पर प्रेस करती हूँ। ये देखिए चाहे मेरा बुलन का है चाहे मेरा वैसा पहनने का है। तो प्रेस फाइनली हो गई है, और अब मेरा मन कर रहा है कुछ मीठा खाने का। मतलब घर में लड्डू वड्डू बहुत सारे रखे हुए हैं, तो मैं वो ही खाऊंगी। और हस्बैंड अभी आए नहीं है, और वो पता है चकमा देके गए हमें। हमने सोचा कि वो गए हैं ड्यूटी है, पर हमने नीचे समर चलाने गई तो वहाँ देखा कि बाइक खड़ी हुई थी। तो फिर मैंने फ़ोन किया तो कहते कि मैं ना गाँव निकल गया, तो मैं मना कर रही थी कि मत जाओ ठंड काफ़ी हो रही है, पर वो नहीं माने, चले गए। चलिए भैया अपनी मर्जी करते हो, हम खाते हैं लड्डू, और आप भी खा लीजिए हमारे साथ। क्यों भाई क्यों निकाल रहे लड्डू, किससे पूछ के निकाल रहे लड्डू? सुन अनमोल इधर देख, इतने लड्डू नहीं खाते बेटा। तो मैं तो 2-3 दिन में खा रही हूँ ना, तुम तो दिन में 2-2, 3-3 खा जाते हो, फिर बड़े कैसे हो गए भाई? नहीं हो गए, लो मैं देती हूँ, हटो। तो यहाँ पे ना मैं अपने लिए लड्डू निकाल रही थी, तो अनमोल भी ना पीछे लाइन में खड़ा रहता है। उसको इतना शौकीन है वो इन चीज़ों का, मतलब बहुत ज़्यादा ही शौकीन है। पूरे दिन उसको देते रहो आप खाने के लिए, वो कभी मना भी नहीं करेगा आपको। तो गाइस मैं खा रही हूँ ये वाला लड्डू। ये वाला लड्डू ना काफ़ी टेस्टी है, खाने में बहुत ही अम्मी वाला है। और भैया टेस्टी क्यों नहीं होगा, आप ये मत कहना कि मैं आपको प्राइस बता रही हूँ। ये 800 रुपये के आधी किलो लड्डू है बस, और इसमें सारे मेवा मिष्ठान पड़े हुए हैं, और मैंने ना कान्हा जी को दिया। तो अनमोल बोल रहा है कि इतना क्यों आप भगवान जी को कहाँ खिलाती हो, उनके पेट में दर्द हो जाएगा। तुम्हारे नहीं होगा पेट में दर्द, तुम सुबह से शाम तक खाते हो। तो गाइस यहाँ कर रही हूँ मैं आज कढ़ी बनाने की तैयारी। तो आज ना काफ़ी दिनों में नहीं, मुझे लगता है शायद 1-2 मंथ हो गया मैं उसके बाद कढ़ी बना रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन से कढ़ी नहीं बनी थी ना, तो कढ़ी का मन भी कर रहा था। तो बस मैंने दही तो अभी घर में नहीं जमती है, तो बाहर से ही मैंने 2 पैकेट मंगाए थे। तो बाहर की पैकेट की दही में और घर की जो जमी हुई दही होती है ना, उसमें थोड़ा सा फ़र्क तो रहता है, पर ये काफ़ी अच्छी दही थी। तो बस इसको मैं चला लूँगी, और मैंने ज़्यादा पानी नहीं करा था, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी जो कढ़ी होती है ना वो अच्छी लगती है। तो मैंने उसका कढ़ी का जो बैटर है वो सारा रेडी करके रख दिया है, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पकोड़े बनाने की तैयारी। क्योंकि जब तक कढ़ी में पकोड़े नहीं डालते ना, तो कढ़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ देखिए मैंने छोटे छोटे से पकोड़े बनाए हैं, और पकोड़े ना मैं खाली बेसन के ही बनाती हूँ, बस उसमें मिर्च मसाले ऐड कर लूँगी। और उसके बाद ना मैंने बहुत से लोगों को देखा है आलू भी ऐड कर लेते हैं, आलू भी डालते हैं, तो हमको ना इसी तरह के पकोड़े पसंद हैं कढ़ी में। और इन दिनों में ना आप बथुआ की कढ़ी भी बनाएंगे ना, वो भी बहुत अच्छी लगती है, पर ये नहीं खाते ना, तो फिर हम लोग भी नहीं खाते हैं। बस पकोड़े वाली कढ़ी हमारे घर में सबको पसंद है। तो यहाँ पे देखिए पकोड़े तो बनके रेडी हो गए थे, अब मैं कढ़ी छोंक रही हूँ। तो कढ़ी को ना हमेशा मैं हींग जीरे में ही छोंकती हूँ। तो यहाँ देखिए जब ये चड़चड़ की आवाज़ करती है ना, तब मुझे बहुत डर लगता है।
तो मैंने थोड़ी सी गाढ़ी रखी है, बस ज़्यादा पानी नहीं करा था क्योंकि 1 किलो दही हो गई थी। फिर मैंने सिर्फ 1 गिलास 1.5 गिलास का समथिंग पानी करा था। उसके बाद मैंने हल्दी डाल दी है इसमें, हल्दी से थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है, और मिर्च डाल दिए हैं और नमक डाल दिया है। हरी मिर्च ख़त्म हो गए थे, नहीं तो मुझे हरी मिर्च ना कढ़ी में बहुत पसंद है, आप लोगों ने देखा भी होगा। और कढ़ी का हमेशा एक झंझट लगता है कि ये ना चलानी पड़ती है, मतलब जब तक थोड़ा उबाल ना आ जाए, एक उबाल, क्योंकि बिल्कुल ठंडी थी कढ़ी, मठा ठंडा था ना, तो फिर फटने का डर रहता है। तो यहाँ पे मैं मिर्च मसाले भर रही हूँ क्योंकि मैं रोज़ सोचती हूँ इन डिब्बों को भर दूँ, तो मैंने सोचा जो जो डिब्बे खाली है ना, मैं ना इकट्ठा करके मिर्च मसाले मंगा लेती हूँ। जैसे डिब्बे खाली हो जाते हैं ना, तो मैं एकदम पलटती रहती हूँ। अभी जैसे मैं घर से आई ना, तो 1-2 चीज़ थी जो मुझे नहीं याद थी, तो वो मैं भर नहीं पाई। तो यहाँ पे गाइस ये देखिए मेरे ना कपड़े होके आए थे, तो मैं इनको बस लगा रही हूँ, और आज मुझे इनको रखना भी है, मतलब कभी निकालो कभी रखो, ये काम ना एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है सच में, और बहुत गुस्सा भी आता है जब एक्स्ट्रा काम पड़ता है। तो गाइस यहाँ पे ना कढ़ी बन रही है, और देखो लाइट के बिना भी अच्छा खासा उजाला हो जाता है। कढ़ी बन रही है यहाँ पे, और यहाँ पे दिए मैंने चावल, और आपको आवाज़ आ रही होगी, वहाँ बच्चे नहा रहे हैं दोनों बाप बेटा, ये देखो कितना शोर करते हैं ये बाथरूम में, ये नहा रहे हैं। और देखो मैंने आज फिर से अपने लिए काम बढ़ा लिया, मेरे तबीयत सी क्या, कई दिनों से मेरे पेट में दर्द है, और देखो सारे कपड़े मुझे बेड में लगाने हैं। ये मैं चाह रही हूँ ना, ये मेरे जो कपड़े ये ड्राई क्लीन होके आए थे, तो मैं चाह रही हूँ ये साथ के साथ बेड में लग जाएंगे, फिर बाहर तो यही बहम सा रहता है कि गंदे हो गए, तो बस इनको लगाऊंगी, फिर लगा के फिर और देखती हूँ अपना काम। तो यहाँ मैं कढ़ी को चेक करने के लिए आई थी, और गरम गरम कढ़ी जब बनती है तो किस किस को पसंद है इस तरह से खाना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब गरम गरम कढ़ी को खाना। तो यहाँ देखिए मेरे कपड़े पड़े हुए थे, तो मैं कपड़े ऊपर सुखाने जा रही हूँ, और अनमोल सबसे आगे रहता है, मतलब वो ना 1 सेकंड भी नहीं छोड़ता है, मैं जहाँ जाऊँगी वहीं जाएगा। तो आप देख लीजिए कितनी अच्छी, अब तो ना 3-4 दिन से धूप इतनी अच्छी है, अब तो नॉर्मल मौसम होता जाएगा, यानी आप तो ऐसा लग जाए कि जैसे बहुत जल्दी ना गर्मियाँ भी आ जाएंगी, क्योंकि आप बहुत देर तक ना धूप में बैठ भी नहीं सकते, एकदम ना पसीना सा आने लगता है अगर आप ज़्यादा देर धूप में बैठते हो, तो बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, मतलब मैं हाथ से ही वॉश करके लाती हूँ और 2-3 घंटे में ही ना कपड़े पूरे सूख जाते हैं। तो ये सारे कपड़े ना इन्हीं के थे, तो ये सब मैंने इनको चिमटी लगा के रख दिया, पता चला कि बंदर आके ही फुर्र देसी ना लेके चला गया। तो मैं कपड़े सुखा के आ गई हूँ, और मैं खा लेती हूँ अपना खाना, ठंडा भी करवा दिया मेरा खाना ये देखिए, तो बस खा लेते हैं, आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ। हाँ बेटा, तो ये जा रहे हैं ड्यूटी के लिए, गए तो थे ड्यूटी के लिए और निकल कहीं और जाते हैं, तो इनका यही खाना पीना तो हमारा हो गया सारा। और देखिए मैंने सारा किचन भी मेरा सारा क्लीन कर दिया है, तो आज मैंने ना एक काम बढ़ा लिया अपने लिए, वो काम ये है, पहले इसकी लाइट बंद करते हैं, बिजली की बचत करनी चाहिए। वो काम ये है कि मुझे ना बेड खोलना है, और बेड खोलना मुझे बहुत वो लगता है, पर खोलूँगी, कोशिश करूँगी, क्योंकि हस्बैंड तो यहाँ है नहीं, और फिर ये पड़े रहेंगे ना तो फिर रह ही जाएंगे, इनको रख देती हूँ बैग के अंदर। तो यहाँ पर ना मुझे अंदर कपड़े रखने थे, तो यहाँ पे मेरे को गद्दा नहीं उठाया जाता, और नॉर्मल के पापा तो चले गए थे, लेकिन मैं इनका कब तक वेट कर रही, तो मुझे ना यहाँ से कुछ निकालना भी था, और जो मेरे ड्राई क्लीन के कपड़े आए थे रेडी होके, वो भी मुझे इसमें रख दूँगी, क्योंकि बाहर रखा रहने दूँगी ना तो फिर से मैसी हो जाएंगे। और मैं जब कोई चीज़ खोलती हूँ ना, तो मुझे हमेशा एक्स्ट्रा चीज़ ऐसी दिख जाती है जिसको देख के मैं शॉक्ड रह जाती हूँ कि हम मतलब ये सामान हमने कब लिया, अब ये कपड़े हमने कब लिए, ऐसे ध्यान सामान नहीं रहता ना। और मुझे ना ये आजकल ना भूलने की बीमारी सी होने लगी है, मैं भूल जाती हूँ चीज़ें रख के, और मुझे ध्यान भी नहीं रहता। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, फिर से मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्ते बाबा। Bye. 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 Bye.